वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। उसका नाम है वर्ब। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। सो दिस इज अ बिग बिग कॉन्सेप्ट। आई सेड ऑल अबाउट वर्ड्स। तो वर्ब को सब कुछ उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक बात मैं तुम्हें बताता हूं। वर्ब एक इतना इंपॉर्टेंट टूल है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके बिना लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को भी हम इमेजिन नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ? तुमने टेंस का नाम सुना होगा, तुमने वॉइस का नाम सुना होगा, तुमने मूड सुना होगा, तुमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सुना होगा, तुमने फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब सुना होगा। ये पांच मेजर टॉपिक्स ग्रामर के पूरी तरह से वर्ब पे बेस करते हैं। दे आर बेसिकली समहाउ और द अदर बेस्ड और रिलेटेड टू वर्ब्स। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम्हें टेंस पे कमांड करना है स्ट्रक्चरली, तो तुम्हें वर्ब को अच्छे से जानना पड़ेगा, उसके फंक्शंस को जानना पड़ेगा। वॉइस को कमांड करना है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो तुम्हें वर्ब को कमांड करना पड़ेगा। और ये बहुत आसान काम है, इसको देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है। इतना कुछ मूड अगर अच्छे से तुम्हें समझना है, मूड अगर समझने के लिए नया है, तो मैं बता दूं वर्ब का एक और एस्पेक्ट है मूड। इंडिकेटिव, इंपरेटिव एंड सब्जंक्टिव। तो ये मूड भी हम लोग पढ़े समझेंगे तब जब मुझे वर्ब आता होगा। हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, हर सब्जेक्ट बात मैं बताता चलू कि हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और हर सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब होता है, और दोनों के बीच अग्रीमेंट जिसको सिंटैक्स कहते हैं, ये सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट है। यहां भी वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वर्ब का कुछ यूज ऐसा भी है जो वर्ब अपने अलावा कोई और काम करता है, जैसे वर्ब एक्शन होता है बेसिकली, लेकिन कभी कभी वर्ब तुम्हें दिखेगा एक नाउन के फॉर्म में, जिसको हम जेरंड कहते हैं और नाउन इन्फिनिटिव कहते हैं। कभी कभी तुम्हें वर्ब दिखेगा एडजेक्टिव के फॉर्म में, जिसको हम पार्टिसिपल्स कहेंगे। कभी कभी तुम्हें एडवर्ब के फॉर्म माइक्स ऑफ दी, प्लीज कीप योर माइक्स म्यूटेड। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्स को म्यूट करके रखिए प्लीज। तो इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, ये वर्ब का एक और एस्पेक्ट है जहां पे मैं देखता हूं कि वर्ब है जो नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह बिहेव करता है। तो ये पांच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्रामर के, जो पूरी तरह से वर्ब पे बेस्ड है, इसलिए भी वर्ब इतना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब कुछ पढ़ रहे होंगे हम तो उसके इंपॉर्टेंस को जरूर से समझा जाए। उससे क्या होता है, सिंसियरिटी डेवलप करती है कि अगर मैं ये नहीं समझूंगा तो इतना कुछ मेरा छूट जाएगा। इसलिए वर्ब को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा गया। अब ये सवाल है कि वर्ब होता क्या है। सबसे पहली चीज, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पार्टिकुलर थिंग इन ग्रामर। आज हम लोग कोशिश करके ये समझने की कोशिश, ये जानेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि आज के बाद दुनिया में कभी भी किसी सेंटेंस में मुझे वर्ब दिखेगा तो मैं उसको देखते ही पहचान लूंगा। और ये पहचान कैसे बनती है बेटा? पहचान बनती है डेफिनेशन से, कॉन्सेप्ट से। मैंने कल भी तुम्हें बताया था, शायद तुम्हें याद हो, कि कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन का मतलब होता है कोई ऐसी बात जिसको सुनकर तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है ना, दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है तुम्हारे। कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। तो तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है,
जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, आज फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? फाइन सर। गुड, तो वक्त पे आना है लेकिन 8 बजे। अब तो तुम्हारे पास ट्रैफिक का भी कोई एक्सक्यूज नहीं है कि बहुत भीड़ थी, रास्ते में जाम था। अब तो तुम घर पे हो, तो वक्त की पाबंदी बहुत जरूर करेंगे बेटा हम लोग। और तुम्हारा एक नया वर्जन दिखना चाहिए दुनिया को, एक स्मार्ट वर्जन, एक पंक्चुअल इंसान, एक खूबसूरत इंसान, बहुत मजा आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था अभी तुम लोगों से, बच्चों से, कि मैं किसी भी डेफिनेशन को, एक टर्म बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, परिभाषा परिभाषा परिभाषा, ये क्या है परिभाषा या डेफिनेशन? कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनको सुन कर मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है। जैसे इमेजिन करो कि मेरा 3 साल का एक बेटा है, मैं उससे कहूं कि बेटा मेरे स्टडी रूम से एक बुक, उसको बुक पहचानना आता है मगर वो पढ़ नहीं सकता है, तो क्या कहूंगा कि तुम्हें मेरे टेबल पे रखी हुई एक मोटी सी बुक है। अब वो सुन रहा है, एक मोटी बुक, पहली पिक्चर मोटी बुक, रेड कलर की है बेटा, रेड वो कलर पहचानता है। वो दूसरी पिक्चर उसके दिमाग में मोटी एंड रेड जो टेबल पे रखी है, उसको मैंने 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दी है, फैट, रेड ऑन द टेबल। अब वो दौड़ता दौड़ता गया मेरे स्टडी रूम में, सबसे पहले वो गया और देखा टेबल। अब उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उसने देखा वो है बुक्स, उसमें रेड, उसने रेड देखा। और तीसरी चीज उसने चेक किया मोटी, फैट। तो अब वो पढ़ना नहीं जानता है लेकिन फिर भी ये 3 बातें सुनकर उसके दिमाग में एक पिक्चर बन गई थी, टेबल पर मोटी लाल बुक, और वो उठा के लेके चला आया, वो पढ़ना नहीं जानता है। दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन, ये है परिभाषा, जिसको सुनकर तुम्हारे दिमाग में चित्र बन जाता है, एक पिक्चर बन जाती है। और इसी पिक्चर को पढ़ाई के फील्ड में कॉन्सेप्ट कहते हैं। मैं देखो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है उसका, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने का क्या मतलब होता है कि वो आदमी के, उस आदमी के दिमाग में इस चीज का पिक्चर है और वही पिक्चर डेफिनेशन है। क्या है कि मान लो तुमने पहली बार एक मोबाइल फोन देखा था तो लगा अच्छा ये मोबाइल है। अब दुनिया में कहीं भी तुम, चूंकि अब इसका पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बन गया है, तब दुनिया में कहीं भी तुम मोबाइल रखा हुआ देखोगे तो पहचान लोगे कि मोबाइल है। हर नए मोबाइल को पहचानने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। तो दुनिया में हर चीज का जो पहला सैंपल तुम्हारे सामने आता है, जिसको तुम समझ जाते हो, उसका नाम जान जाते हो, तो अब उस जैसी कोई भी चीज तुम्हारे सामने आएगी तो तुम इस पिक्चर से मैच करके पहचान लोगे, ये कार है, ये मोबाइल है, ये आदमी है, ये कप है, ये ग्लास है, ये पेन है। बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं कहूं वर्ब क्या है, तो वर्ब को पहचानने के लिए हम लोग पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लिखेंगे थोड़ी देर के बाद से। तो वर्ब को पहचानने का वो जो टूल है जिसको डेफिनेशन कहते हैं, आज हम वो सीखेंगे। और आज के बाद जितने भी बच्चे अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें वर्ब को पहचानने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, ठीक है बेटा? तो वर्ब को हमने डिफाइन किया है कुछ इस तरह से, अभी लिख नहीं रहा हूं, फिर बोल के समझा रहा हूं, लिख के सब कुछ बताऊंगा। क्या है? अ वर्ब इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। ये पिक्चर बन रही है तुम्हारे दिमाग में। एनी वर्ड, कोई भी शब्द जो एक्शन को डिस्क्राइब करे। अब जैसे तुम्हें मैं 2 एग्जाम्पल दू, ग्लास, ये मेरे सामने ग्लास, और एक वर्ड मैंने कहा गो, ये दोनों वर्ड्स हैं इंग्लिश के, इसमें एक्शन किस में है, ग्लास में है या गो में है? तो जाहिर सी बात है तुमको लगा गो एक एक्शन है, जाना एक काम है, एक्शन का मतलब काम या क्रिया। स्टेट, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, इसको पूरा बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, कि किसी भी चीज का स्टेट ऑफ बीइंग यानी किस अवस्था में उसका अस्तित्व है। मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो मेरा स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, मैं किस रूप में दुनिया में अस्तित्व रखता हूं, एक टीचर की हैसियत से। तो एम ये बता रहा है, आई एम, जो आदमी टीचर हो,
टीचिंग का जॉब छोड़ चुका है, वो बोले आई वॉज अ टीचर। तो ये स्टेट है। अकरेंस कोई भी घटना, कोई भी चीज जो दुनिया में होती है। एंड दूसरी पहली बात क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन और अकरेंस, सब कुछ समझाएंगे। और दूसरी बात क्या है वर्ब के बारे में, फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। और वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजिशन है किसी सेंटेंस में, वो प्रेडिकेट का मेन पार्ट होता है। किसी भी सेंटेंस को हम दो टुकड़े में बांटते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अच्छे से समझोगे, हम जब वर्ब पढ़ रहे होंगे तो सिर्फ वर्ब नहीं समझ रहे बेटा, हम लोग बहुत कुछ दूसरी सीख रहे हैं। तो वर्ब क्या करता है, सेंटेंस के प्रेडिकेट का सबसे मुख्य पार्ट होता है। क्या मतलब, जैसे मैं कहूंगा आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग एवरी डे, तो लंबा सेंटेंस मैंने बोला, इसमें मैंने अपने बारे में बात की, आई ये मेरा सब्जेक्ट है। उसके प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग एवरी डे, इस लंबे से पार्ट को कहते हैं प्रेडिकेट। और इस प्रेडिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्ले, जो कि एक वर्ब है। अगर मान लो मैं इन द इवनिंग को हटा दूं तो क्या बनेगा, आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स एवरी डे। मैं विथ माई फ्रेंड्स को भी हटा दूं, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। मैं एवरी डे को भी हटा दूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट को भी हटा दूं, आई प्ले। सब कुछ हट जाएगा तो सेंटेंस का अस्तित्व बाकी रहेगा, लेकिन मैं प्ले जो कि वर्ब है इसको नहीं हटा सकता। मान लो मैं बोलो आई क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग एवरी डे, प्ले हटा, सेंटेंस डेड। इसलिए कहा जाता है कि वर्ब जो सेंटेंस का प्रेडिकेट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब। फिर हम लोगों को समझना है कि जब तक हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं बेटा, तो ये एक चीज तुमने सुना होगा, इन डेप्थ नॉलेज, किसी भी चीज का बहुत गहराई तक ज्ञान। तो पहले मैंने वर्ब को पहचाना कि वर्ब कहते हैं एक्शन को, स्टेट ऑफ बीइंग को, या अकरेंस को इंडिकेट करने वाले शब्दों को। एक्शन को जो इंडिकेट करेगा वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग को अस्तित्व दिखाने वाला वर्ड वर्ब है, और अकरेंस किसी घटना को दिखाने वाला वर्ड वर्ब है। वर्ब पहचान लिया मैंने, उसके बाद मुझे यह समझना है कि वर्ब है तो क्या सभी वर्ब एक तरह के होते हैं, जवाब होगा नो। हम लोग फिर से वर्ब को दो कैटेगरीज में बांटेंगे। एक को कहा जाता है मेन वर्ब। अब इस मेन वर्ब का नाम कभी लेक्सिकल वर्ब, कभी प्रिंसिपल वर्ब, कभी फुल वर्ब, इस नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ऑक्सिलियरी क्या है, जिसको हम आम भाषा में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो अब दुनिया में जितने भी वर्ब हैं, या तो वो मेन वर्ब है या वो ऑक्सिलियरी वर्ब है, ये दो कैटेगरी वर्ब्स की होती है। उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे और फिर एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। ये आज की क्लास का इंट्रोडक्शन है। पहली चीज क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब्स, क्या सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब एक तरह का होता है? फिर से जवाब आएगा नो, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब्स। एक को कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स, दूसरे को कहते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स, और तीसरे को कहते हैं मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब। ये बात हम लोगों को दिमाग में रखनी है कि जैसे ही मैं किसी एक क्लास को सब डिवाइड करता हूं, फिर से बांटता हूं, क्यों बांटता हूं? ऐसा कि मेरा मन कर गया कि चलो फिर से बांट दे, नहीं। यहां हर एक क्लासिफिकेशन के पीछे रीजन है, और वर्ड्स के क्लासिफिकेशन के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है उनका जॉब, उनका काम। तो ये मैं कह सकता हूं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का अपना कुछ काम होता है, मैं बताऊंगा सब कुछ। मॉडल्स के अपने कुछ काम होते हैं और मार्जिनल्स के अपने कुछ काम होते हैं। तीनों ऑक्सिलरी, लेकिन तीनों का जो जॉब है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बदलती रहती है। तो जितने भी प्राइमरी हैं वो एक जैसा काम करेंगे, जितने भी मॉडल्स हैं वो एक जैसा काम करेंगे, जितने भी मार्जिनल्स हैं वो एक जैसा काम करेंगे।
तो ऑक्सिलरीज का ये तीन मेजर कैटेगरी है जो हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ये समझेंगे कि ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब, कुछ मोटी मोटी बातें बेटा, ये स्लाइड जो मैंने बनाया है तुम्हें वर्ब का जो बेसिक आइडिया है उसको शानदार तरीके से समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत ज्यादा हेल्प करने का मतलब होता है कि तुमको बहुत कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज इफ इट इज अ मेन वर्ब, अभी हम ऑक्सिलरी वर्ब के अभी कोई भी बात सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं एक टर्म को तुम्हारे सामने रख रहा हूं, फंक्शंस, यूजेस, रूल्स हम आगे पढ़ते रहेंगे। सो इफ इट इज अ मेन वर्ब, अब जितने भी मेन वर्ब्स हैं इसका मतलब वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, जो ऑक्सिलरी है वो मेन नहीं है। मेन वर्ब के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूं कि हर एक मेन वर्ब का 5 अलग अलग फॉर्म्स होता है, उसको मैं V1, V2, V3, V4 और V5 अपनी आसानी के लिए बोलता हूं। ये इनका नाम नहीं है, वर्ब के पहले फॉर्म का असल नाम है बेस फॉर्म या इन्फिनिटिव भी कहते हैं उसको। वर्ब के दूसरे फॉर्म का असल नाम है पास्ट टेंस। अगर मैं पूछूंगा वेंट क्या है, WENT, वेंट, तो तुम बोलोगे सर इट इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब गो। पर वर्ब के थर्ड फॉर्म का नाम है पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब के फोर्थ फॉर्म का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्ब के पांचवें फॉर्म का नाम है एस और ES फॉर्म, ये भी प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करता है। तो किसी भी मेन वर्ब का 5 फॉर्म होते हैं। ये सब बेसिक आइडियाज हैं जो हम लोग समझते हो, पहले किसी बड़े कंस्ट्रक्शन के पहले कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो पहले हम लोग कुछ रॉ मटेरियल लाते हैं, कुछ ईंटा, कोई पत्थर, कोई सीमेंट, कोई रॉड, छड़, सरिया, वो सब जमा हो रहा है अभी और इसी को हम लोग मटेरियल कलेक्ट करें और इसी चीज को जोड़ के घटा के मिला के हम लोग वर्ब के पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो किसी भी मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है, ये याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं वो ये है कि किसी भी सेंटेंस को दुनिया के, थिंक ऑफ एनी सेंटेंस इन द वर्ल्ड टेकन फ्रॉम एनी सोर्स, अगर हम लोग किसी सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं इसके कॉम्पोनेंट्स में, तो मुझे 2 बड़ी चीजें मिलती, एक सब्जेक्ट और उसका एक वर्ब जिसको प्रेडिकेट में देखते हैं हम। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। इफ देयर इज नो वर्ब इन अ सेंटेंस वी कैन नॉट इमेजिन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेंटेंस एवर। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब, ये याद रखना है। ऐसे मैं तुमको समझाता हूं कि हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और हर एक सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब होता है। ऐसा इम्पॉसिबल होगा कि सब्जेक्ट तो है मगर उसका कोई वर्ब नहीं। अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि सैकड़ों कॉमन एरर सेंटेंसेस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है और तुमसे वो, अगर इस तरह से तुम सेंटेंस को देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हें क्लियर कट उसका एरर दिख जाएगा अगर है तुम। तो हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और हर सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब होता है। इसी बात को मैं उलट के बोलता हूं, हर एक सेंटेंस में एक वर्ब होता है और हर वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट होता है। यानी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्पोनेंट्स है वो सब्जेक्ट और वर्ब है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये एंड ऑफ द सेशन, ये इस वाले सेशन का जो हमने ये इंट्रोडक्शन था, तो ये मैं तुम्हें क्लास के बाद भेज दूंगा जो तुम्हें अच्छे से समझना है और उसके इंपॉर्टेंस को जानना है कि हम लोग जो आज काम कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है। आज की पूरी बातचीत चलेगी वर्ब के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से। मैंने ये बताया था जो बच्चे लेट से आए हैं ये समझ जाए कि आज की क्लास का ये इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस इतनी बातें तुम्हें पहले पहले समझ जाना है वर्ब के बारे में। अब मैं अपना काम एज अ टीचर शुरू करता हूं, आई स्टार्ट राइटिंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड The things that I talked about right now. क्या आपको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? Yes, sir. Very good. शुरू करते हैं अपनी बातचीत को। मैं वर्ब को ऐसे डिफाइन करता हूं बच्चों के लिए अपने,
अच्छे से समझना बेटा कि सबसे पहली बात अगर वर्ब को सुनोगे तो तुम्हें क्या याद आएगा, दैट अ वर्ब इज अ वर्ड। ये एक वर्ड है, एक शब्द है। क्या करता है ये सबसे पहले किसी एक्शन को दिखाता है, किसी काम को। जो भी शब्द एक्शन को इंडिकेट करेगा वो वर्ब है। दूसरी चीज क्या है, ये स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है, किसी चीज का अस्तित्व। अच्छे से समझोगे एक एक बात, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए वर्ब को समझने का एक नया दिन पैदा आज हो और उसको तुम एक अलग अंदाज से देखना शुरू करो। और तीसरी चीज होती है बेटा, हम इसको एक और वर्ड लिखते हैं वहां पे, अकरेंस नहीं लिख के तुम्हारे आसानी के लिए दूसरा वर्ड लिखते हैं ताकि तुम समझ जाओ, पोजेशन। और आसान हो जाएगा कि दुनिया में जितने भी वर्ब्स हैं वो वर्ड्स हैं, कभी कभी फ्रेज के फॉर्म में भी आता है, लेकिन पहले मैं वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे हैं। वो या तो इंडिकेट करेगा एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग या फिर पोजिशन। पोजिशन का मतलब ओनरशिप, अधिकार। मैं तीन सेंटेंस तुम्हारे सामने लिख के दिखा रहा हूं एकदम आसानी के साथ। मैं लिखता हूं माई फादर, प्लीज पार्डन माई पुअर हैंड राइटिंग, ये पेन टैप पे लिखना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, फिर भी मैं लिख रहा हूं तुम लोगों की दुआओं से। माई फादर स्पीक्स फ्रेंच, मान लो ये एक सेंटेंस है, मान लो के मतलब एक सेंटेंस है ही, करेक्ट। दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं, जॉन इज अ डॉक्टर। और तीसरा सेंटेंस लिखता हूं, शी हैज। अपने पास नोटबुक लेके बैठना है हम लोगों को, जो भी बच्चे आज बिना नोटबुक के सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कल से अगले क्लास से नोटबुक जरूर से हाथ पे होना चाहिए। कुछ कुछ काम मैं देता रहूंगा तुम्हें समझना पड़ेगा, अभी मैं कर देता हूं। इन तीनों सेंटेंसेस को मैं ब्रेक करता हूं इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में मैं बात करता हूं। तो पहले सेंटेंस में मैं अपने फादर के बारे में बात कर रहा हूं, यह सब्जेक्ट है, और बाकी का बचा हुआ पूरा पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट। ये जो स्पीक्स फ्रेंच है ये कंप्लीट प्रेडिकेट है। यहां पे जॉन सब्जेक्ट है और उसके बारे में जो बात कही गई है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ मैं कहता हूं वो सब्जेक्ट के लिए प्रेडिकेट होता है। और यहां पर शी सब्जेक्ट है और हैज अ कार प्रेडिकेट है। अब तुमको देखना है कि इस प्रेडिकेट में वर्ब कौन है। तो वर्ब देखने के लिए तुम्हें क्या सोचना पड़ेगा, या तो एक्शन दिखाने वाला वर्ड, या स्टेट ऑफ बीइंग अस्तित्व दिखाने वाला वर्ड, या ओनरशिप पोजिशन दिखाने वाला वर्ड। तो यहां पर क्या फ्रेंच से कोई एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग या पोजीशन पता चल रहा है? नहीं। स्पीक जब तुम सुनते हो तो लगता है अरे ये तो कोई काम है, ये एक्शन है, बोलना एक काम है, तो ये एक्शन दिखा रहा है यानी वर्ब है। कोई भी वर्ड, नाउ ही स्पीक्स, ही रन्स, ही सिंग्स, ही डांसेस, ही कुक्स, ही टीचेस, ही राइट्स, जितने भी वर्ब तुम सोचते हो जिससे तुमको एक्शन का पता चले, एक्शन को ही हिंदी में कहते हैं, कुछ बच्चे हिंदी भी समझते होंगे, यह है क्रिया। फिर यहां पर इसको देख करके पता चल रहा है कि किसी आदमी का अस्तित्व है, होना। जॉन इज अ डॉक्टर, तो इस क्या दिखा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, इसको मैं ऐसे लिखता हूं SOB। तो यह भी एक एक्शन है, क्योंकि जो भी वर्ड स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएगा किसी चीज का होना वो भी वर्ब है। और शी हैज अ कार में ये has क्या कर रहा है, उसके पास एक गाड़ी है, ये पोजीशन दिखा रहा है यानी ओनरशिप अधिकार। तो जितना भी वर्ड, तो यहां पर ये has पोजीशन दिखा रहा है, और मैं ये सीख चुका हूं कि पोजीशन दिखाने वाला कोई भी वर्ड एक वर्ब होता है। तो अब तुम्हें याद रखना है, मैं इस तरह से इसको समझा देता हूं कि हर एक सेंटेंस को आज से जो तुम्हारी निगाह एक टेक्निकल तौर पर सेंटेंसेस को देखेगी वो ऐसे, if it is a sentence it must have a subject and a predicate. Pehli baat, a predicate, the main part of the predicate is a verb. Dusri baat, and a verb is what, fir se yahi sochte hain, verb kaise pehchane, jo verb ek word hai, kaisa word jo action ko, state of being ko aur position ko dikhayega, wo verb hai. Chahe wo kisi bhi sentence mein ye teen kaam karne wale shabdon ko वर्ब कहा जाएगा। कोई एक बच्चा बता दे मुझे कि क्या तुम अब ये सोच सकते हो
कि हर एक सेंटेंस के वर्ब को तुम पहचान लोगे, हाँ या ना? यस सर। वन ऑफ यू प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। कोई एक बच्चा बोल देगा हाँ तो मुझे इत्मीनान है। वेरी गुड। अब देखो बेटा इसको ऐसे देखना है, समझोगे कि मैंने कहा था हर एक सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है, तो माय फादर सब्जेक्ट है, और हर सब्जेक्ट का एक वर्ब होता है। मैं पूछूंगा माय फादर का वर्ब कौन है, तो बोलोगे स्पीक्स, और उल्टा बोलो, हर एक सेंटेंस में एक वर्ब होता है और हर एक वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है। तो यहां पे मैं बोलूंगा इस सेंटेंस का वर्ब कौन है, स्पीक्स, और इसका सब्जेक्ट कौन है, माय फादर। तो ये जो रिश्ता है ये हमेशा हर एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट। दूसरे केस में सब्जेक्ट है जॉन, तो इसका वर्ब कौन है, इज, या इज अगर वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कौन है, जॉन, ये समझेंगे हम। तीसरे सेंटेंस में वर्ब कौन, सब्जेक्ट शी है, तो शी का सब्जेक्ट कौन है, has, शी का वर्ब, और इस has का सब्जेक्ट कौन है, शी। तो ये जो एरो का डायरेक्शन है ना, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, जरूर से चेक करना है, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट। अब ये छोटी सी बात मैं तुम्हें और बताना चाहता हूं, जल्दी से समझ जाना बेटा, कि किसी भी वर्ब को हम लोग जब भी कभी सेंटेंस में देखते, देखोगे ये छोटी छोटी बातें हैं हजारों सेंटेंसेस को समझने में और एग्जाम में कॉमन एरर बनाने में बहुत हेल्प करेगी। किसी भी वर्ब को हम जब सेंटेंस के अंदर देखते हैं प्यारे बच्चों और बच्चियों, तो उस सेंटेंस के अंदर वर्ब को हम दो चीजों से जुड़ा हुआ पाते हैं, कनेक्टेड। हर एक वर्ब अपने सेंटेंस में किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, किसके साथ उसका संबंध होता है, एक सब्जेक्ट के साथ। हर एक वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है जो मुझे दिखता है एक शब्द के तौर पर, करेक्ट। और उसी के बाद फिर हम देखेंगे कि हर एक वर्ब का एक और रिश्ता होता है टाइम के साथ, ये भी समझोगे, इसको और एक्सप्लेन करेंगे जब हम टेंस पढ़ाएंगे तब। तो अब मैं पूछता हूं पहले सेंटेंस में स्पीक्स का सब्जेक्ट कौन है, तो तुम बोलोगे सही है माय फादर। इसका टाइम क्या है, तो वर्ब का जो पांचवा फॉर्म होता है ना बेटा, वर्ब का फर्स्ट और फाइव फॉर्म, ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है। तो माय फादर स्पीक्स फ्रेंच, इसमें मेरे पापा फ्रेंच बोलते हैं, यानी अभी के समय की बात हो रही है, करेक्ट। अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए इस स्पीक्स की जगह पर कर दूं माय फादर, मान लो स्पोक फ्रेंच, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म था, तो जैसे ही मैंने स्पीक्स को स्पोक कर दिया तो स्पोक वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, माय फादर। इसका टाइम क्या है, तो बोलोगे सर पास्ट है, पास्ट। और इसी की जगह पर अगर मान लो मैं स्पीक्स की जगह पर लिख देता हूं विल स्पीक, तो विल स्पीक भी एक वर्ब है, अभी इसका सब्जेक्ट कौन है, माय फादर, और इसका टाइम क्या है, फ्यूचर। तो सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ब्स होंगे उनको तुम्हें दो चीजों से जुड़ा हुआ देखने की कोशिश करना है, एक उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है और दूसरा उस वर्ब का टाइम क्या है। इसी दो चीजों से तुमको बहुत कुछ क्लियर होने लगेगा। लेकिन ये बात आज समझ के, इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की बहुत प्यारे बच्चों, वो ये है कि वर्ब है, एक वर्ड है, एक शब्द है। कैसे पहचानेंगे, कोई भी शब्द जो इंडिकेट करता हो एक्शन को यानी काम को, स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था दिखाने वाला, किसी चीज की मौजूदगी दिखाने वाला, होना और कोई अधिकार दिखाने वाला, तो ये वर्ब है। सेंटेंस के अंदर जब, यहां पे मैं लिख देता हूं ताकि तुम्हें जब स्लाइड मिले तो तुम आसानी से पहचान जाओ कि मैंने क्या लिखा था, वर्ब इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जब मैं वर्ब को देखता हूं तो हर बार जब सेंटेंस को वर्ब के अंदर देखना है, समझोगे इस बात को, हर एक बार वर्ब को सेंटेंस के अंदर मैं दो चीजों से जोड़ के देखूंगा, पहला क्या, इसका सब्जेक्ट कौन है, दूसरा क्या, इसका टाइम कौन है। ऐसे इसमें बहुत सारी दूसरी बातें भी होती हैं, लेकिन सबसे बुनियादी, सबसे आधारभूत बात यह है कि हर सेंटेंस में वर्ब के साथ मैं उसके टाइम और सब्जेक्ट को देखने की कोशिश करूंगा। यह है एक बेसिक आइडिया वर्ब को समझने का, अलग से मतलब एक्शन दिखाने वाला शब्द वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने वाला शब्द वर्ब है, पोजिशन दिखाने वाला शब्द वर्ब है। और सेंटेंस के अंदर जब मैं वर्ब को देखता हूं
तो उसको दो चीजों से जोड़ के देखना है हमेशा कि इसका सब्जेक्ट कौन है और इसका टाइम क्या है। तो हर बार ये बात हम लोग समझेंगे। तो ये एक बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला क्लासिफिकेशन वर्ब को जब मैंने पहचान लिया तो हम लोग इसको पहली बार फिर से बांटते हैं कि दुनिया में जितने भी वर्ब्स हैं बहुत अच्छे बच्चों, उनको तुम दो में से एक कैटेगरी में बांट सकते हो। एक है मेन वर्ब और दूसरा है ऑक्सिलियरी वर्ब। अच्छे से समझोगे, इंग्लिश एक ऐसी जबान है जो तुम्हें सिर्फ एग्जामिनेशन में नहीं, एग्जाम के बाद भी तुम्हें पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, तुम्हारे जॉब में, तुम्हारे फैमिली में, जब तुम अपने छोटे बच्चों को पढ़ाओगे उस वक्त। तो भाषा जितनी अच्छी होगी दुनिया में सफलता के चांसेस उतने हाई होते। तो सिर्फ हम अपने एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझोगे। तो आज हम अपनी बातचीत शुरू करना चाहते हैं पहली चीज से, उसका नाम है ऑक्सिलियरी वर्ब। जितने भी वर्ब हैं उनको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलियरी वर्ब। तो ऑक्सिलियरी वर्ब को फिर से मैं बांटूंगा, मैं अगले पेज पे चलता हूं, नया फ्रेश पेज दिखाता हूं तुम्हें और यहां पे लिखता हूं। यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेल। सो दिस ऑक्सिलियरी वर्ब इज व्हाट, अच्छे से समझना है कि हम लोगों को जो भी चीज वर्ड के तौर पे हम सीख रहे हैं वो सभी वर्ड अपने एक्शन, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जॉब के लिए जाना जाता है। तो ऑक्सिलियरी वर्ब्स को हम सबसे पहले तुम्हें ये समझाते हैं कि फिर से हम लोग इसको सब डिवाइड करते हैं, फिर से हम इसको बांटते। आज सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब को रट लेना है कि दीज वर्ड्स आर ऑक्सिलियरी वर्ब्स। इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं अभी फौरन बताऊंगा, फिर शब्दों को दिखाऊंगा। तो पहला जो ऑक्सिलियरी वर्ब है उसको उसका नाम है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, प्राइमरी। दूसरा जो है उसका नाम है मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। और तीसरा कैटेगरी है ऑक्सिलियरी वर्ब का, दैट इज नोन एज मार्जिनल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ये समझोगे कि हर एक बात जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, हर एक फैक्ट तुमको एग्जामिनेशन में, देखो दो बातें हैं, एक तो तुम एग्जाम में तुम क्वेश्चन सॉल्व बनाते हो तो उसमें एक्यूरेसी 100% करनी है पैदा, 100% की चाह के भी मुझसे गलती ना हो। कैसे होगा? जब हम सबसे छोटी छोटी बातों को अच्छी तरह से समझेंगे। और दूसरी चीज है कि कम से कम समय में हम क्वेश्चन को बनाएं। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में दो चीजों का बहुत महत्व है, एक एक्यूरेसी और दूसरा स्पीड, कितना तेज हम ये काम कर पाते हैं। तो खैर ये तब ये कब होगा, जब मुझे बेसिक्स क्लियर होगा, फंडामेंटल्स मुझे 100% अच्छे से आता होगा। अब इस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को बच्चों हम लोग तीन अलग अलग कैटेगरी में फिर से बांटेंगे। एक का नाम है इस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में वर्ब टू बी, दूसरे का नाम है वर्ब टू हैव और तीसरे का नाम है वर्ब टू डू। देखोगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं आगे, इसको गौर करना बेटा। अब इस वर्ब टू बी को तुम थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये एक बॉक्स है, इसका नाम है वर्ब टू बी। अब इसको हम खोलेंगे तो इस बॉक्स को खोलते ही मुझे क्या मिलेगा, एक छोटा सा वर्ड निकलेगा इज, क्या निकलेगा फिर एम, फिर क्या आएगा आर, फिर क्या आएगा वॉज, फिर क्या होगा व। ये पांच शब्द इज एम आर वॉज व, ये पांचों शब्द क्या है, वर्ब टू बी है। वर्ब टू बी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब का एक टाइप है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, वर्ब का एक टाइप है। वर्ब क्या है, हर वो शब्द जो एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन दिखा दे। ऐसे भी चलना है, नीचे उतरना है फिर नीचे से ऊपर जाना है, तो बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। फिर वर्ब टू हैव को भी मैं मान लेता हूं कि एक छोटा सा बॉक्स है, छोटा सा डिबिया है, हैव। इसको जब मैं खोलता हूं तो इसके अंदर से क्या निकला मेरा, हैज, फिर क्या निकला मेरा, हैव, फिर क्या आया, हैड। उसके बाद यानी तीन शब्द, अगर मैं कहूंगा वर्ब टू हैव तो इसका मतलब तुम जो हैज, हैव और हैड, ये तीनों शब्द को कलेक्टिवली वर्ब टू हैव कहते हैं। और वर्ब टू डू को भी मैं मान लूंगा कि ये छोटा सा बॉक्स है, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर से निकलेगा डू, फिर क्या निकलेगा, डज, और फिर क्या निकलेगा, डिड।
ये हो गए 11 शब्द, 5 + 3 + 3। तो इन 11 को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। उसके साथ मॉडल्स, यहां पे चूंकि जगह नहीं है इसको रट लेना है बेटा, जब मैं पूछूं ऑक्सिलरी वर्ब तो एक सांस में बोलना है ब्रेथलेस, ये सभी शब्द ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। मॉडल्स क्या है देखोगे, तुम सब कुछ जानते हो, जितना भी वर्ड मैं लिख रहा हूं अभी वो तुम सब जानते हो, विल है और वुड है, लेकिन हम लोग उसको सिर्फ अरेंज कर रहे हैं सही जगह पे ताकि तुम फ्यूचर में कभी भी उसको देखो तो अच्छे से पहचान लो। शैल है और शुड है, कैन है और कुड है, मे है और माइट है, मस्ट है और ऑट टू है। अब एक तू इसको गिनोगे तो तुम्हें पता चलेगा नंबर में है 10, 10। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू। एक कैटेगरी के जो शब्द होते हैं ना बेटा, उनका रूल एक होता है कॉमन, ये बात याद रख लो, सिर्फ सुन लो, आगे पढ़ाएंगे तो तुम्हें समझाएंगे। यानी विल के बारे में तुम जितनी बातें सीख जाओगे तो तुम्हें सबके बारे में वो बात एप्लीकेबल पता चलेगी कि वुड के बारे में वो बात सही है, शैल के बारे में, शुड के बारे में, एटसेट्रा। और फिर तीसरी कैटेगरी जो मैंने लिखा है वो है मार्जिनल, इसको अच्छे से समझना है, हम सब कुछ समझाएंगे अच्छे से, तुम्हें बहुत मजा आएगा। इसमें तीन शब्द हैं, एक है नीड, एक है डेयर, DARE, और तीसरा है यूज्ड टू, ये है तीन। तो तुम सबको जोड़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब का जो टोटल नंबर है वो है 24। दो छोटी छोटी बात और ऐड करता हूं मैं कि जितने भी वर्ब्स होते हैं बेटा उनके पहले एक पार्टिकल दिखता है तुम्हें, TO2, इसको कहेंगे एक पार्टिकल है, एक छोटा सा पार्टिकल हर वर्ब के साथ लगे रहेगा। तुम यहां पे गौर करो, जितना भी वर्ब सोचो तुम, टू कम, टू गो, टू सिंग, टू डांस, टू वेट, टू ड्रिंक, टू राइट, टू रीड, एटसेट्रा, हर वर्ब के साथ ये लगा होता है टू। लेकिन मॉडल्स के साथ टू हम यूज नहीं करते, कभी सुना है तुमने टू कैन, टू शैल, नहीं, पहली बात। और दूसरी बात कि दुनिया में जितने भी वर्ब्स हैं उनका 5 फॉर्म होगा, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो, 5 फॉर्म्स। तो टू बी, जैसे मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं तुम्हें, गो, इसका सेकंड फॉर्म क्या है भाई, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, फोर्थ फॉर्म क्या है, गोइंग, फिफ्थ फॉर्म क्या है, गोस। अगर ये वर्ब है तो इसका 5 फॉर्म होगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम्हें देता हूं, वर्ब टू बी जो है ये भी वर्ब है तो इसका भी 5 फॉर्म होना चाहिए। वो 5 फॉर्म क्या है, जैसे मैं इस सजा बाद में फिर से दिखाऊंगा, सिर्फ अभी एक छोटा सा पॉइंट प्रूव करने से एक वर्ड दिखा दो कि वर्ब टू बी जो कि ऑक्सिलरी है लेकिन है तो वर्ब, तो इसका भी 5 फॉर्म होगा। 5 फॉर्म में पहला फॉर्म क्या है, टू बी का एम भी पहला फॉर्म है, आर भी पहला फॉर्म है और बी स्वयं अपना पहला फॉर्म होता है। ये तीनों वर्ब का पहला फॉर्म है टू बी का। इसका पास फॉर्म क्या होता है, वॉज और वर। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे भी। थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, बी का, BEEN। याद रखना है कि हर थर्ड फॉर्म हैज या हैव के बाद आता है, तो आई हैव, ही हैज गॉन, ही हैज बीन। तो जहां भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है सेंटेंस में जब भी आएगा वो हैज या हैव या हैड के बाद आता है। बात बताता हूं, फिर बी का फॉर्म है बीइंग, चौथा फॉर्म आईएनजी लगा है तो चौथा फॉर्म है, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है वो है 5वां फॉर्म, तो इज है 5वां फॉर्म वर्ब का। तो किसी भी वर्ब के पहले क्या लग सकता है, टू। उसके कितने रूप होते हैं, 5। ये वर्ब का 2 आइडियल फैक्ट है, लेकिन मॉडल्स के साथ ये पॉसिबल नहीं होता है, ना मॉडल का 5 रूप होता है ना ही इसके पहले 2 लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं होता है, ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 2 खोट है, ये खराबी है, और इसीलिए मॉडल्स को एक और नाम से पुकारा जाता है, वो नाम है डिफेक्टिव वर्ब्स। इनका ये डिफेक्ट है कि इनका 5 रूप नहीं होता है। और मार्जिनल्स जो होते हैं, मार्जिनल्स ये एक और नाम से पुकारे जाते हैं, इनको कहा जाता है सेमी, सेमी का मतलब होता है आधा, मॉडल्स।
ये सेमी मॉडल्स हैं, ये आधे मॉडल्स हैं, ठीक है। तो ये जब भी कभी तुम ऑक्सिलरी वर्ब सोचोगे तो ये 24 वर्ड एक सांस में, इज एम आर वाज वर हैव हैज हैड डू डज डिड विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू नीड देयर एंड यूज्ड टू, बोल देना है कि ऑक्सिलरी कौन है, फटाक से बोलो, रट लो इसको। अब ये जानना है कि कोई भी शब्द जो हम लोग ग्रामर में सीखेंगे बच्चों, तो उसके बारे में ये समझना है कि इसका रूल, इसका यूज क्या है। जब तक कि मैं यूज नहीं समझता हूं उस वर्ड को, जानना ना जानना बराबर है। तो एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, पहले थोड़ा सा बढ़ता हूं मेन वर्ब की तरफ और उसके बाद दोनों को जोड़ के दिखाऊंगा। बहुत एंजॉय करोगे तुम क्योंकि तुम्हें हर चीज साफ साफ दिखेगी। मेन वर्ब समझोगे अच्छे से, अभी ऑक्सिलरी वर्ब पूरा हुआ नहीं है, अभी बेसिक हम दोनों को मिला के दिखाना चाहते हैं, इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मेन वर्ब्स ये क्या है बच्चों, तो बचपन में जो स्कूल में टीचर्स ने हम लोग को सिखाया था वही याद करो। मेन वर्ब्स आर एक्चुअली एक्शन वर्ड्स, ये कोई भी क्रिया वो एक्शन। जैसे मान लो मैं कहूंगा इज, ये एक वर्ब है, और मैं कहूंगा ईट, ये भी एक वर्ब है, लेकिन क्या दोनों मेन वर्ब है, दोनों कोई काम है? तो तुम्हें पता चलेगा नहीं, इज में कोई काम नहीं है और ईट एक काम है, खाना एक काम है, एक एक्शन है। और हम लोग चूंकि इंडिया में रहते हैं तो हम लोग सब जानते हैं हिंदी, तो जितने भी मेन वर्ब्स होंगे उनकी पहचान ये भी बताई जाती है कि उसको अगर हिंदी में मैं बोलूंगा तो उसके अंत में ना आता है, ना, ईट खाना, गो जाना, कम आना, रीड पढ़ना, जितना भी ना 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 है वो मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, और एक्शन वर्ड के बारे में एक छोटी सी बात लिखना चाहता हूं मैं कि ईच मेन वर्ब, जो क्लास के शुरू में मैंने बताया था, ईच मेन वर्ब अच्छे से समझोगे बहुत मजेदार और छोटी छोटी बात सीख रहे हैं हम लोग। और यह बात समझना है कि ग्रामर में कुछ बड़ा नहीं है, देयर इज नथिंग बिग इन इंग्लिश ग्रामर। यही छोटी 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 बातें जमा होते होते तो बड़ा ग्रामर का कॉन्सेप्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। ईच मेन वर्ब हैज फाइव फॉर्म्स, ये मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ये पांच फॉर्म होता है। तुम लोग इतने अच्छे बच्चे हो कि तुम लोग कभी टीचर से ये पूछते नहीं हो आमतौर पर कि सर क्यों होता है, ठीक है पांच फॉर्म मैंने मान लिया, ये क्यों होता है पांच फॉर्म। ये अगर हम लोगों ने करना शुरू कर दिया हर एक चीज, मैं बोलूंगा ये होता है, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए क्यों होता है। होता है ये जानना इंफॉर्मेशन है, सूचना है। क्यों होता है ये जानना ज्ञान है, नॉलेज है। तो ऑक्सिलरी वर्ब 24 होता है, ठीक है, एक सूचना है 24 होता है, कोई भी सुन लेगा वो याद कर सकता है, लेकिन उसको जानना है कि क्यों होता है, वर्ब का काम क्या है, ये जो बच्चा जानेगा उसको कहा जाएगा, उसको ऑक्सिलरी वर्ब का नॉलेज। तो पहले मैं समझाता हूं कि हर एक मेन वर्ब का कितना फॉर्म होता है, पांच फॉर्म होता है। पहले मैं तुम्हें लिख के बताता हूं उसको, मैं आसानी से V1, आज मैंने लिखा था स्लाइड पे भी, V2, V3, V4 और V5 कहते हैं, ठीक है। मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं, तुम अपने कॉपी पे इसको नोट करो। गो, कम, टीच, शट और बीट। तुम गौर करोगे कि इन वर्ब्स का, जैसे गो का सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन, आपस में कोई सिमिलैरिटी है? गो अलग, वेंट अलग, गॉन अलग, स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनंसिएशन भी अलग है। कम का सेकंड फॉर्म होता है केम और थर्ड फॉर्म होता है कम। यहां तो गौर करो, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, सेकंड फॉर्म डिफरेंस है। टीच का सेकंड फॉर्म होता है टॉट और थर्ड फॉर्म भी होता है टॉट, तो सेकंड और थर्ड सेम है, फर्स्ट डिफरेंट है। शट का फॉर्म होता है शट, शट, सेकंड थर्ड फर्स्ट तीनों फॉर्म में कोई चेंज नहीं आया। बीट में सेकंड फॉर्म है बीट और थर्ड फॉर्म है बीटन, तो यहां पर ये फर्स्ट और सेकंड सेम है, थर्ड अलग है। तो ये एग्जाम्पल, ये पॉइंट प्रूफ करता है कि हमारे पास किसी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो अब उसको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जहां भी किसी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो वो बेस फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं तो वो चौथा फॉर्म बन जाता है,
किसी भी वर्ब का पांचवा फॉर्म है तो बेस फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं तो वो पांचवा फॉर्म बन जाता है। तो तुम इसलिए गौर करोगे जब तुम वर्ब के फॉर्म्स पे काम करते हो तो फोर्थ फाइव को तो सोचते भी नहीं हो, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म बनाना एक बच्चा भी कर लेगा। आईएनजी जोड़ा तो फोर्थ फॉर्म, एस और ईएस जोड़ा तो पांचवा फॉर्म। लेकिन वन टू थ्री को हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया कि एक मेन वर्ब का पांच फॉर्म होता है। असल में ये बताना है कि क्यों होता है, ये बहुत अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूरा सेंटेंस है, व्हाई डू वी हैव फाइव फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, वर्ब का पांच रूप क्यों होता है। तो इसके लिए मैं तुमको समझाना चाहता हूं कि वर्ब का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, एक इंपॉर्टेंट यूज है, वो है कहां पर, टेंस में। अच्छे से सुनोगे, मैं एक बात बता रहा हूं। किसी भी सेंटेंस के टेंस को मैं तुम्हें दे दूं, एक सेंटेंस को मैं तुम्हें दे दूं और कहूं कि इसके वर्ब को पहचान, इसके टेंस को पहचानो, सेंटेंस के टेंस को पहचानो, तो पहली बात ये बच्चों को समझना है कि टेंस जो है वो क्या होता है। ये असल में वर्ब का होता है, वर्ब का, यानी ये वर्ब की प्रॉपर्टी है टेंस। अब ये वर्ब के बारे में क्या, तो टेंस वर्ब के बारे में दो बातें बताता है मुझे, एक वर्ब का टाइम और दूसरा उसकी अवस्था, जिसको हम स्टेट कहेंगे। समझोगे, बहुत मजेदार पॉइंट बता रहे हैं तुमको हम, बहुत अच्छा लगेगा तुमको। तो किसी भी सेंटेंस का टेंस देखना है तो क्या देखना है, वर्ब, क्योंकि वर्ब में ही टेंस होता है। और वर्ब के अंदर क्या क्या ढूंढना है मुझे, टाइम और स्टेट, ये दो चीजें जब मिलती हैं तब बनता है टेंस। तो टेंस को तुम एक प्रोडक्ट के तौर पर देखो, ये एक प्रोडक्ट है। कैसे बनता है, टाइम और स्टेट के मिलने से बनता है। स्टेट का मतलब होता है, हिंदी में मैं लिख देता हूं, अवस्था। ठीक है बेटा, अब तुम्हें यह समझना है कि यह जो टाइम बताने की जिम्मेदारी है यह कौन करता है, यह काम ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है, और स्टेट बताने की जो जिम्मेदारी है वो कौन करता है, मेन वर्ब। इसको समझोगे बिल्कुल, तुम पहली बार इस तरह से सुन रहे हो, मेरा पूरा विश्वास है और तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा। मेन वर्ब का काम है स्टेट बताना। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जितने भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स हैं और सेकंड फॉर्म्स हैं और फिफ्थ फॉर्म्स हैं, ये तीनों फॉर्म का एक काम है, किसी भी सेंटेंस में पाया जाएगा तो वो जो सेंटेंस का टेंस होगा, टेंस का जो स्टेट होगा वो होगा इनडेफिनिट। यही है, प्रेजेंट इनडेफिनिट है तो वी वन होगा, पास्ट इनडेफिनिट है तो वी टू होगा, प्रेजेंट इनडेफिनिट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ है तो वी फाइव होगा। यानी वी वन वी टू वी फाइव जब कभी भी मुझे नजर आएगा उस सेंटेंस में, हमको उसका टेंस के नाम में इनडेफिनिट शब्द का आना लाजमी है, क्योंकि वन टू और फाइव इनडेफिनिट अवस्था दिखाते हैं। ये क्या होता है हम सब कुछ समझेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या करता है, इसका एक काम फिक्स्ड है कि ये परफेक्ट टेंस दिखाता है। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है ग्रामर में किसी काम का पूरा हो जाना। तो जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा स्टेट उसका परफेक्ट होगा, और जब भी वी फोर दिखेगा स्टेट उसका कॉन्टिन्यूअस होगा। यही तीन स्टेट होता है आमतौर पर, इंडेफिनिट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। एक स्टेट और है जो दो स्टेट को मिला के बनाते हैं, उसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब मैं तुम्हें बताता हूं, एक एग्जांपल से आपको साबित करता हूं। देखो सर, एक क्वेश्चन है, आप पीछे पूछिए प्लीज। सर इंडेफिनिट क्या होता है सर? सब बेटा अभी तो शुरू ही किया, एक एक बात बताऊंगा, जो लिख रहा हूं एक एक बात समझाऊंगा, ठीक है, सब कुछ। यहां पर देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई eating, ठीक है बेटा, I eating, ये एक incomplete sentence है। अब इस sentence का जो main verb यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो क्या है बेटा, ing लगा है, यानी कौन सा form है, V4, यानी ये क्या है, continuous। इस sentence का tense मुझे पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसमें एक सूचना है, state पता चल रहा है, continuous है। क्या miss कर रहा है, time। यहां पर टाइम के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। अब मैं तुम्हें फिल करके दिखाता हूं, आई के साथ मैंने लगाया एम,
आई एम ईटिंग, एम सुन के तुम्हें कौन सा टाइम ऑक्सिलरी वर्ब जब भी कभी सेंटेंस पे तुम देखो एक ही बात सोचना है टाइम 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 टाइम। तो एम सुन के तुम्हें कौन सा टाइम, और टाइम का सिर्फ तीन कैटेगरी होता है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। एम सुन के तुम्हें क्या पता चला प्रेजेंट प्रेजेंट। एम ईटिंग इसको मैं बदल दूं वॉज से, वॉज सुन के तुम्हें क्या याद आया पास्ट पास्ट, और यहां पे मैं लगा दूं विल बी, ये सुन के तुम्हें क्या याद आया विल है तो फ्यूचर। तो ये और करोगे कि ये जो तीनों अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब लिखे हैं मैंने वो क्या बता रहे थे टाइम। अब तुम और करो एम प्रेजेंट ईटिंग कंटिन्यूअस मिलके इसका टेंस क्या हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वॉज प्रेजेंट ईटिंग कंटिन्यूअस वॉज ईटिंग पास्ट कंटिन्यूअस विल बी फ्यूचर ईटिंग कंटिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो जब कभी भी तुम्हें किसी टेंस सेंटेंस का टेंस देखना है तुम्हें क्या देखना है वर्ब, और वर्ब में तुम्हें क्या क्या ढूंढना है टाइम एंड स्टेट। टाइम के लिए तुम्हें क्या देखना है ऑक्सिलरी वर्ब, और स्टेट के लिए तुम्हें क्या देखना है मेन वर्ब। ये बात हम अच्छे से समझ जाएं कि अब मुझे समझ में आ गया कि वर्ब का पांच फॉर्म क्यों होता है, क्योंकि हर सेंटेंस के वर्ब का अलग अलग स्टेट होता है। तो अगर मान लो सिर्फ गो का एक ही फॉर्म होता गो तो कैसे पता चलता कि कहां पे गो इंडिफिनिट है कहां पे गो परफेक्ट है कहां पे गो कॉन्टिन्यूअस है। अगर एक रूप होता तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब का अलग अलग फॉर्म होना जरूरी था टेंसेस को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये याद रखना है सब बच्चों को अभी का अभी। V1, V2, V5 क्या दिखाता है Indefinite. V3 क्या दिखाता है Perfect. और V4 क्या दिखाता है Continuous. ये बात याद रखनी है। अब अगली बात बस एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे हम लोग, यहां पे गौर करना है वर्ब टू बी ये क्या है बताओ कौन बताएगा। मैं बताऊं सर? बताओ एक बार जल्दी से। HMR was where. Very good. इनका क्या नाम है? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का एक टाइप है। ये जब भी कभी सेंटेंस में मुझे दिखेगा बेटा उसके साथ आने वाला मेन वर्ब वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। ठीक है, किसी भी वर्ब टू बी के साथ आने वाला जो मेन वर्ब होगा, चंदन प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, उसके बाद वर्ब टू हैव, ये जब कभी भी आएगा किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी के तौर पे तो उसके साथ जो मेन वर्ब होगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद वर्ब टू डू, इसके बाद जब भी कभी मेन वर्ब कोई आएगा वो मेन वर्ब का पहला फॉर्म होगा। उसके बाद जितने भी मॉडल्स हैं विल वुड शैल शुड एटसेट्रा, उसके साथ जब भी मेन वर्ब आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जितने भी मार्जिनल्स हैं उनके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये जो तुम्हारे सामने बोर्ड है इसमें जितने भी ऑक्सिलरी यूज करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज में सबका नाम है। टू बी के साथ V4, टू हैव के साथ V3, टू डू के साथ V1, मॉडल्स के साथ V1, मार्जिनल के साथ V1। तो मुझे मालूम है कि वर्ब का तो पांच फॉर्म होता है, इसमें 1 दिख रहा है मुझे, इसमें 3 दिख रहा है मुझे, इसमें 4 दिख रहा है मुझे, कौन कौन नहीं दिखा, एक V2 नहीं दिखा और एक V5 नहीं दिखा। इसका क्या मतलब है, इससे हम ये बात निष्कर्ष के तौर पे निकालेंगे कि V2 और V5 कभी भी किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज नहीं होते हैं। V2 V5 कभी भी आएगा सेंटेंस में तो वो अकेला आएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा यहां पे आई डिड नॉट केम यस्टरडे, ये एक सेंटेंस है, पहला कॉमन एरर बनाओ। यहां पे केम है, केम क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म है V2 कम का केम, और यहां पे लिखा है डिड, डिड क्या है बेटा ऑक्सिलरी।
तो ये तुमने देखा कि ऑक्सिलरी के साथ v2 के बारे में क्या जानता हूं मैं, कि ये जब भी आएगा अकेला आएगा, विदाउट ऑक्सिलरी आएगा। तो ये सेंटेंस हम साबित कर देंगे कि गलत है। अब लेकिन इसको इंप्रूव भी करना है कि सही फॉर्म क्या है, तो ये जानना है कि डिड है यहां पर, तो डिड के कारण मुझे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है। मैं चीख चुका हूं कि डू के साथ क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो यहां केम को बदल के मैं अगर कम कर दूंगा तो ये सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा, आई डिड नॉट कम यस्टरडे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। वेरी गुड। तो ये बात समझिए कि हर ऑक्सिलरी वर्ब का मेन वर्ब के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। दो छोटी छोटी बात और बता के क्लास खत्म करता हूं। थक तो नहीं गए आप लोग? थकना नहीं है बेटा, बिना रुके बिना थके। चैंपियन की पहचान है कि वो कभी थकता नहीं है, और हम लोग चैंपियंस हैं, और नहीं है तो आज से बनेंगे। चैंपियन कभी थकता नहीं है, चैंपियन नेवर गेट्स टायर्ड, नेवर। तो यहां पे गौर करोगे बेटा, वी टू, अरे अरे देखो, एक जमाने में मैं सुनता था कि एक साइंटिस्ट है, वो इतना ज्यादा अपने काम में इन्वॉल्व हो जाता था कि खाना सामने आके रखा रहता था, वो भूल जाता था खाना खाना। मैं भी वैसे ही साइंटिस्ट हूं, मेरी चाय है और चाय मेरी सबसे पसंदीदा चीज है दुनिया में, वो रखी रखी ठंडी हो गई, मुझे याद भी नहीं आया कि चाय है मेरे साथ। इसका मतलब है कि मैं भी उसी तरह से अपनी तारीफ कर रहा हूं, कोई बुरा नहीं मानेगा। देखो बेटा, ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अंदर लोगों को आवाज चली जाए, पता चले कि मैं चाय पी नहीं पाया तो दोबारा चाय मिल जाए। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सॉरी वर्ब होते हैं बेटा जिसका वी टू और वी थ्री सेम होता है। जैसे मान लो एक वर्ड है स्पेंट, इसका वी टू भी स्पेंट है, वी थ्री भी स्पेंट है। अब देखो कि मैं सेंटेंस लिखता हूं, ही स्पेंट ऑल हिज मनी यस्टरडे, ठीक है। और एक सेंटेंस है, ही हैज स्पेंट ऑल हिज मनी। इन दोनों जगहों पे मेरे पास स्पेंट है, स्पेंट और ये स्पेंट। कैसे पता चलेगा कहां पे स्पेंट v2 है और कहां पे v3 है? तो यह आसान बात है, v2 जब भी होता है वो विदाउट ऑक्सिलरी होता है, तो स्पेंट के पहले कोई ऑक्सिलरी है नहीं है, यानी ये v2 है। और v3 जब भी आएगा उसके पहले has, have या had का होना जरूरी होता है। तो यहां पर मुझे has के साथ स्पेंट दिख रहा है तो ये v3 है, अकेला स्पेंट दिख रहा है तो v2 है। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर v2 और v3 जब सेम होता है बहुत से वर्ब का तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां पे ये v2 है या यहां पे v3। तो उसके यूज में ये देखना कि v2 comes alone and v3 comes after has, have और had। ये पॉइंट हम दिमाग में रखेंगे। एक आखिरी बात और उसके बाद हम लोग क्लास अपना खत्म करेंगे। आखिरी बात ये है, मैं तीन सेंटेंसेस लिखता हूं, ये लास्ट स्लाइड है बेटा, ठीक है। आई टीच, दूसरा सेंटेंस ही एट, उसने खाया, और तीसरा सेंटेंस शी सिंग्स। एकदम छोटा छोटा सेंटेंसेस है, जल्दी से हो जाएगा, वो गाती है। इन तीनों सेंटेंसेस में जो वर्ब्स हैं, पहले सेंटेंस में वी वन, एक कॉमन एरर का बहुत खूबसूरत सा राज बताता हूं, देखोगे तुम, वी टू और ये है वी फाइव। इन तीन सेंटेंसेस में मुझे अगर टेंस पहचानना है तो मुझे क्या देखना है, वर्ब, और वर्ब के बारे में मुझे क्या क्या पता करना है, एक टाइम स्टेट और दूसरा स्टेट। स्टेट के लिए क्या देखना है, मेन वर्ब। टाइम के लिए क्या देखना था, ऑक्सिलरी वर्ब। इन तीनों सेंटेंसेस में मेन वर्ब तो मुझे दिख रहा है टीच, एट एंड सिंग्स। ऑक्सिलरी वर्ब कहीं पे भी है नहीं है,
तो इसका मतलब जो मैंने बताया था कि टेंस में टाइम और स्टेट और ऑक्सिलरी और मेन वर्ब होता है, ये तो गलत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम इस बात को याद रख लो, ईच वी वन हैज अ डू इनसाइड इट। हर वर्ब के पहले फॉर्म के अंदर एक डू होता है। अगर मैं कैसे होता है, मैं बोलूं और तुम मान लो, ऐसा मत करो, आई टीच, अब मुझे कहना है मैं नहीं पढ़ाता हूं, तो मैं क्या करूंगा, आई डू नॉट टीच। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि ये बात समझना है बच्चों को कि जब भी कभी मुझे किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है तो वहां पर मुझे चाहिए होता है नॉट, नेगेटिव के लिए नॉट, और कोई भी नॉट तब हम यूज करते हैं जब उसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो, यानी हर एक नॉट सेंटेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब को कहा जाता है 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, ये नॉट के 24 दोस्त हैं। तो ये डू कहां से आया, इसी टीच के अंदर था, मुझे जब नॉट लगाना था तो डू को मैंने बाहर निकाल दिया। उसी तरह से V2, 8 क्या है, यहां पर V2 है, हर एक V2 के अंदर छुपा होता है did, और जब मैं did को बाहर कर देता हूं तो V2 बदल के हो जाता है V1। तो इस सेंटेंस को मैं अगर करूंगा नेगेटिव तो क्या बनेगा, he did not eat, ये did था, not लगाना था इसलिए मैंने इसको बाहर किया। और हर एक V5 के अंदर होता है does, और डस को जब मैं बाहर करता हूं तो V5 बदल के V1 हो जाता है। जैसे ये सेंटेंस शी सिंग्स, इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, शी डज नॉट सिंग। तो यहां पर ये समझना है कि कभी कभी V1, V2, V5 अकेला दिखता है, लेकिन अकेला दिखता नहीं, दिखता है, होता नहीं। हर V1 जो अकेला है उसके अंदर डू है, हर V2 जो अकेला है उसके अंदर डिड है, हर V5 जो अकेला है उसके अंदर डज है। जब जरूरत पड़ती है तो मैं उसको बाहर करता हूं, और जब जरूरत नहीं पड़ती है तो उसको अंदर छोड़ देता हूं। अब बताओ डू सुन के तुम्हें कौन सा टाइम याद आया, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, प्रेजेंट। तो डू प्रेजेंट है और V1 क्या है, इनडेफिनिट। तो जहां भी V1 दिखा वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इनडेफिनिट। डिड सुन के तुम्हें क्या याद आया, पास्ट, पास्ट, और इसको निकाला तो V1 बचा, V1 क्या दिखाता है, इंडेफिनिट। तो ये क्या हो गया मिलकर के, पास्ट इंडेफिनिट। डस सुन के तुम्हें क्या याद आया, प्रेजेंट, और V1 क्या है, इंडेफिनिट। ये दोनों मिलके क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये बात समझना है। एक आखिरी बात लिख देता हूं इसी बात से जोड़ करके, मैं ये भी समझाना चाहता हूं अपने बच्चों को, दैट ऑल V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V5। तो बोलो सर ये क्या बोल रहे हैं, V1, V2, V5 बराबर है, मैं बोलूंगा 100% बराबर है। कैसे बराबर है समझाता हूं, कि V1 के अंदर क्या होता है बेटा, डू, डू को जब मैं बाहर कर देता हूं तो V1 क्या बचता है, V1, V2 के अंदर क्या होता है, डिड, डिड को जब मैं V2 से निकाल देता हूं तो V2 क्या हो जाता है, V1, V5 के अंदर क्या होता है, डस, डस को मैं जब बाहर कर देता हूं तो V5 क्या बचता है, V1। तो V1 is equal to V1 is equal to V1, मैथ में तुम करते हो ना, LHS is equal to RHS, तो ये भी मैंने साबित कर दिया कि तीनों एक ही फॉर्म है बेसिकली। हर V2 छुपा हुआ V1 है, हर V5 छुपा हुआ V1 है। और दूसरी बात क्या है समानता की, ये तीनों क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं, ये तीनों के तीनों इनडेफिनिट टेंस बनाते हैं। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हर एक बात समझ में आई होगी। ये वीडियो अभी आपके साथ आपको शेयर कर दिया जाएगा, जरूर से जरूर मौका निकाल के एक बार देखना है बेटा, जिसका वर्ब उसके कमांड में है, इंग्लिश लैंग्वेज उस बच्चे के कमांड में, और समझना है इफ देयर इज एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज यू नीड टू नो द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, ये क्यों होता है। और पढ़ने वाले बच्चे इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां क्यों का जवाब मिल गया समझ जाओ तुम्हारा नॉलेज कंप्लीट है। अगर क्यों का तुम जवाब नहीं दे पाते हो बेटा तो समझो कि तुम नहीं समझ पा रहे हो, तभी वो जिंदगी भर तुम्हारे लिए एक पजल है, एक मिस्ट्री है। होता तो है मगर क्यों है नहीं पता, नहीं पता तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्यों का जवाब नहीं है तो रिजल्ट भी नहीं है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह से हम लोग मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा,
चूंकि कल ही शुरू किया था तो आज क्लास मैंने कर लिया एक सैटरडे का भी, लेकिन अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लासेस के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। मैं चाहता हूं कि एक साथ 100 बच्चे जुड़े और आपने अगर सही फीडबैक दिया, अगर आपको क्लास, और मैं ये वादा करता हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चा और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, दोनों तरह के बच्चों को बराबर बराबर फायदा होगा, क्योंकि ग्रामर को पढ़ने का एक नया अंदाज डेवलप करोगे तो बहुत मजा आएगा। तो प्लीज इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स अबाउट माई क्लासेस। मेरा यूट्यूब चैनल भी है अब्दुल्ला कैफी के नाम से, जरूर से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ अच्छे वीडियोस उसमें भी मैं डालता रहता हूं। और आपसे मुलाकात अगली होगी मंडे के दिन। बहुत मजा आया आपसे मिलकर के। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एवरीबॉडी, टेक केयर। थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर, बाय सर, बाय बाय, गुड डे।